गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घरगुती मस्ती एंड व्लॉग्स। नमस्ते दोस्तों, लेके आई हूँ एक और नया चेहरा वाईटी जर्नी में, जिनका नाम है करिश्मा कपूर। ना ना ना, ये वो फिल्मी पर्दे वाली करिश्मा जी नहीं है, ये है के कपूर व्लॉग्स इंडियन इस यूट्यूब चैनल से। वो भले ही फिल्मी दुनिया से अलग है, पर अपने घरेलू जीवन में अपने विभिन्न किरदार वो बखूबी निभा रही है। वो एक गृहिणी है और अपने बच्चों के जिद ने उन्हें एक यूट्यूबर बनाया है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ का सपना सच कर दिखाता है, पर यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है। एक माँ ने अपने बच्चे का सपना सच कर दिखाया, और वो भी महज 7 महीने के अंदर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपना चैनल मोनेटाइज भी कर दिखाया। ये सफ़र उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पति, 2 बच्चे और सास के साथ एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करने वाली करिश्मा जी, जिनका दिन निकलता सुबह 5 बजे और रात होती 8 बजे, जिनको रात को सोना बेहद पसंद था, जल्दी सोना बेहद पसंद था, वो आजकल रात को 11-11 बजे तक जागी रहती है। तो देखते हैं दोस्तों कि उनके जीवन में और क्या क्या बदलाव हुए हैं यूट्यूब की वजह से। एक दिन मुझे मिस रेखा जी, जिनके चैनल का नाम है घरगुती मस्ती एंड ब्लॉग, उनका कॉल आया। मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो, तो उनका कॉल आया, बोलने लगी कि आप मुझे इंटरव्यू दोगे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया है। लेकिन फिर वो बोलने लगी कि आपके इस इंटरव्यू से जो न्यू यूट्यूबर हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी, उन्हें मोटिवेट होंगे। तो मैंने भी उनको हाँ बोल दिया, क्योंकि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती कि मेरे इंटरव्यू से, मेरे बोलने से अगर कोई मोटिवेट होता है, किसी की हेल्प होती है थोड़ी सी भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होगा। तो फिर मैंने उनको हाँ बोल दिया। और जैसे कि उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर दे रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम है करिश्मा, मेरे चैनल का नाम है के कपूर व्लॉग। छोटी सी फैमिली है हमारी, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे और मेरी सासू माँ रहती हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, मायका भी मेरा गांव में ही है। मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट हैं। तो यही है इंट्रोडक्शन मेरा। देखिए, मैंने अपना चैनल बनाया था 2020 अप्रैल में बनाया था, और चैनल के लिए क्या तैयारी किया था, तो कोई भी तैयारी नहीं किया था। यहाँ तक कि मेरे पास ट्राईपोड भी नहीं था, बस मैं खाली समय में व्लॉग देखना पसंद करती थी। तो मेरा छोटा बेटा बोला कि मम्मी आप भी बना लो, आप भी बना लो। तो मन तो मेरा था, मुझे भी अच्छा लगता था, व्लॉग देखती थी तो देख कितने अच्छे से लोग अपने घर का काम करते हैं, रेसिपी दिखाते हैं, और कमेंट को देख देख के मुझे अच्छा लगता था। मुझे भी लगता था कि मैं भी अपना चैनल बनाऊं और चलाऊं इस तरीके से। कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसा कुछ तैयारी नहीं किया था। काफ़ी दिन तक मैंने बिना ट्राईपोड के वीडियो बनाए हैं। जब किचन में रेसिपी वगैरह शूट करती थी, तो बड़ा जुगाड़ से मोबाइल रखते थे, और यहाँ तक कि 1K जब मेरे कंप्लीट हो गए थे ना, तब तक मेरे पास ट्राईपोड नहीं था। और फिर एक मेरी फ्रेंड है छत्तीसगढ़ से, तो वो मेरे से, जब मैंने एक महीना रही वीडियो बनाई ना, तो वो मेरे से ज्वाइंट हो गई थी, फ़ोन पर बात होने लगी। तो उनसे मेरी बात हुई, उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला कि आपका वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। बातों बातों में उन्हें पता चला कि मेरे पास ट्राईपोड भी नहीं है, बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला, बताओ जब बिना ट्राईपोड के अच्छा वीडियो बनता है, तो ट्राईपोड से बनाओगे तो और ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फिर मैंने ना उसी दिन या फिर दूसरे दिन फिर ट्राईपोड मंगाया था। और रही घर वालों के सपोर्ट की बात, तो घर वाले मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरे बच्चे भी करते हैं। जो भी मेरा एडसेंस वगैरह का जो भी काम रहता है, मोनेटाइज ऑन करवाना, ये सब मेरे हस्बैंड देखते हैं। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैं तो दूर ही रहती हूँ, यही देखते हैं उसको। और बच्चे भी मेरा सपोर्ट करते हैं, उसने तो बनवाई है, छोटे वाले ने जिद करके कि मम्मी आप बनाओ, आप बनाओ। और अश्वनी भी करता है, मेरे बड़े बेटे का नाम अश्वनी है। और वॉच टाइम की चिंता होती थी, वॉच टाइम सब्सक्राइबर की चिंता सभी को होती थी, होती है, और मुझे भी होती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें 100 व्यूज़ आए फटाफट, यानी कि मैंने 5:30 या 5 बजे शाम को अपलोड किया, तो उसमें व्यूज़ आने लगे तुरंत की तुरंत। जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं ना, एकदम, मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस
अपना बाग है ना उसका वीडियो शूट किया और थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दिया था और उसमें टाइटल लिख दिया था, अभी भी मुझे याद है कि देखिए मेरे गांव के नज़ारे, जो कि वीडियो अभी मेरे चैनल पे नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था वो भी बताऊंगी। तो हो गए थे उसमें 100 व्यूज़ हो गए थे 7 बजे तक। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था व्यूज़ का क्या मतलब रहता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी से चैनल स्टार्ट किया कि हाँ सोच समझ के, कुछ भी नहीं मालूम था कि व्यूज़ कैसे देखे जाते हैं। ये लाइक वाइक सब यहाँ पे आने के बाद मैं सीखी हूँ। और तो मैं ये सोच रही थी बार बार कि मुझे कमेंट नहीं आ रहा, मुझे कमेंट का बहुत ज़्यादा था। तो वो बोला मेरा बेटा छोटा वाला कि मम्मी सब लोग को व्यूज़ से मतलब रहता है, आप कमेंट के पीछे पड़ी हो। फिर ना मैंने सेकंड वीडियो अपलोड किया, उसमें भी कोई कमेंट नहीं आया। फिर थर्ड वीडियो अपलोड किया, फिर जाके कमेंट आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने फटाफट उसका रिप्लाई दिया। अभी भी मुझे याद है जब वो फर्स्ट कमेंट मेरा आया था ना, किसी ने मुझसे कुछ पूछा था, वो याद नहीं है फिर, लेकिन DP याद है, उसमें कृष्ण भगवान की DP लगी थी। और टाइम मैनेज की बात है तो टाइम मैनेज मैंने बहुत ज़्यादा किया है, फटाफट मतलब काम का मेरा स्पीड बढ़ गया था। मुझे पता था कि मुझे ये काम जल्दी से इतने समय में निपटाना है, तब जाके मैं अपने चैनल को समय दे पाऊँगी। और सबसे पहली बात, चैनल को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 8 या 8:30 बजे सो जाती थी शाम को, सबको मालूम है, सब खाना पीना जल्दी खा लेंगे क्योंकि उन्हें ना सबको पता है घर में कि इसको भैया सोने की पड़ेगी, और फिर खाना पीना शाम को जल्दी खा लेते हैं। तो फिर मैं सो जाती थी 8, 8:30 बजे। लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया ना, मैं 10 बजे तक जगती हूँ, कभी कभी 10:30 भी हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग करने में अगर आप 8-10 मिनट का वीडियो बनाते हो उसमें 1 घंटा लग जाता है एडिटिंग करने में। अगर अच्छे से आप एडिटिंग करोगे, छोटे छोटे क्लिप होते हैं उनको जोड़ना होता है, उन्हें वॉइस ओवर, किस में वॉइस ओवर डालना है, किसका कलर सेट करना है, बहुत कुछ होता है, तो लग जाता है उसमें 1 घंटा आराम से लग जाता है। और फिर अपना जो पूरा दिन का रूटीन है, हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो उसमें से भी कट करके कहाँ कहाँ शूट करना है, तो लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है वीडियो का। और शाम को एडिटिंग करते हैं। फिर भी इसीलिए जो टाइम की बात है पूछ रहे हो ना आप, तो टाइम के ही कारण मेरा वीडियो डेली नहीं हो आ पाता, 1 दिन का गैप हो जाता है। और जब कभी कभी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है या फिर कहीं जाना पड़ जाए तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है, फिर 2-2, 3-3 दिन का मेरा गैप हो जाता है वीडियो का, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि वीडियो डेली डालना चाहिए, जो आपकी चेन रहती है ना वो टूटती नहीं है, लेकिन टाइम का बहुत बड़ा दिक्कत है। मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ क्योंकि मेरा 3 टाइम खाना बनता है, घर में सासू माँ है जिनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना काम रहता होगा। तो बस यही था मेरा। हाँ, यूट्यूब पहले तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे चिड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं अभी छत पे बैठी हूँ, तो थोड़ा बहुत इग्नोर करिएगा। और रही यूट्यूब को छोड़ने की बात, तो मेरा मन करा है, शुरू में किया है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर करना लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कर पाएंगे, और वो पूरे हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर लगता है कि 4000 घंटा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। तो लगता है मेरा भी मन किया था कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ देती हूँ। और जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, उनके मन में आता ही आता है, कई बार आता है कि चलो छोड़ देते हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे जब सक्सेस मिलने लगता है तो फिर कोई नहीं बोलता यूट्यूब चैनल छोड़ने का, कोई नहीं बोलता। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तो 2-2 चैनल 3-3 चैनल बना के रखे हैं, आप सभी जानते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा तो मन किया था यूट्यूब चैनल छोड़ने का, मन किया था मेरा। और रही 4 टिप्स देने की बात जो न्यू यूट्यूबर हैं उनके लिए, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप डीमोटिवेट कभी ना हों। और सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट कब होते हैं पता है, जब व्यूज़ कम आते हैं तो होते हैं। तो व्यूज़ कम और ज़्यादा से मतलब ना रखो, लगता है बुरा, लेकिन आप ये समझिए कि अभी हमारे कम हैं लेकिन कल पक्का आएंगे, ज़्यादा आएंगे। और आप कुछ दिनों तक यूट्यूब पे टिकिए, आपको कुछ ना कुछ नया नया रोज़
सीखने के लिए मिलेगा, मुझे खुद मिला है। और मैं जब YouTube पे आई थी तो आपको विश्वास नहीं करोगे, मुझे एडिटिंग करना भी नहीं आता था। मैंने कुछ सब कुछ यहीं पे सीखा है आके। आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देखना जाके, कुछ भी एडिटिंग नहीं होता था उसमें, जो कुछ भी सीखा मैंने यहीं पे आके सीखा है। और तो ये रहा मेरा फर्स्ट टिप्स के डीमोटिवेट कभी मत होना। और रही के जो दूसरा टिप्स है कि आप ना ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए। अगर आपको 4000 घंटा और 1K सब्सक्राइबर पूरे करना है तो सबसे पहले आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए। न्यू चैनल आपने क्रिएट किया है तो ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़िए, वो आपको ना 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, 1000 क्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपकी वीडियो वायरल होने लगे तो, वो तो चुटकियों में पूरा हो जाता है। लगता है कि 4000 घंटा बहुत है, हमसे नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र से देखो तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक वीडियो वायरल हुआ ना और तो कुछ भी नहीं है। अब ये रहा मेरा दूसरा टिप्स। और चौथा टिप्स मैं बताऊं, वो तीसरा टिप्स मैं आपको बताऊं कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ोगे कहाँ से। तो आप ना जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उनका है वीडियो चल चुका है, चैनल चल चुका है, वो चाहे जो भी डालेंगे उनका चलेगा। आप पकड़िए जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं ना, उनके चैनल पे जाइए, उनके DP पे टच करने के बाद उनके वीडियो पे पहुंच जाते हैं ना, जो भी वीडियो रहती हैं उनकी खुल के आ जाती हैं। तो उनके वीडियो पे टच करने के बाद जो भी हाईएस्ट वीडियो रहती है, पॉपुलर वीडियो रहती है, उस पे उसको देखिए कि उन जो छोटे यूट्यूबर रहते हैं उनका पॉपुलर वीडियो कौन सा जा रहा है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रेंडिंग टॉपिक। क्योंकि छोटे यूट्यूबर का अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वही ट्रेंडिंग टॉपिक है, और उसी पे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी यूट्यूबर का आप देखिए, चैनल चेक कीजिए, वहाँ से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसी पे वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए और देखना आपका बहुत ही जल्दी चैनल ग्रो करेगा। तो ये था मेरा थर्ड टिप्स। और फोर्थ टिप्स मेरा ये है, समझ लो कैमरे के सामने हमारे जो भी हैं फ्रेंड हैं, और ये मत समझो कि बनावटी हम करेंगे तो लोगों को पसंद आएगा, नहीं, जो आप रियल हो वही दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी देखने आते हैं। अब चाहे नेचर हो या फिर किसी की लाइफ हो, बनावटी तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सब रियलिटी अच्छी लगती है। तो आप रियल करो और देखना आपका पक्का वीडियो चलेगा। और ये मत सोचो कि आज हमें अच्छा बनाने नहीं आ रहा है तो हम नहीं बना पाएंगे, अब बनाते रहो, धीरे धीरे आप अच्छा वीडियो बनाने लगोगे। मैंने खुद किसी को फॉलो किया है, मतलब मुझे लगता है जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं, मैं किसी का बड़े का नाम नहीं लूँगी, विलेज मॉम सालनी, मुझे उनका वीडियो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके जैसा वीडियो बनाने का। एक दिन में आप कामयाब नहीं होगे कि हाँ उनके जैसा वीडियो बनने लगे मेरा, लेकिन आप कोशिश करते जाओ और देखना एक ना एक दिन आप उनसे अच्छा वीडियो बनाओगे। तो ये मेरा फोर्थ टिप था। और यूट्यूब का मेरे लिए सबसे अच्छा अनुभव तो ये रहा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब लोगों से मिलने के लिए मिला, क्योंकि हम लोग जो हाउसवाइफ होते हैं घर में ही रहते हैं, और घर में रह के इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले हैं यूट्यूब से, क्योंकि अब अपने आप में मुझे लगता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ, कुछ भी मुझे सजेशन चाहिए रहता है तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से पूछ लेती हूँ और मुझे उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। तो मुझे एक तो अकेलापन नहीं लगता, मुझे लगता है मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, और मुझे एक यूट्यूब फैमिली मिली है, मेरी तो फैमिली है ही है, उसके साथ मुझे एक यूट्यूब फैमिली मिली है, और ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है यूट्यूब का। और सबसे जो ख़राब रहा है अनुभव यूट्यूब पे, तो वो यही है जो निगेटिव कमेंट आते हैं, बाकी यूट्यूब पे कुछ भी ख़राब नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो निगेटिव कमेंट आते हैं ना उसको थोड़ा सा पढ़ के अच्छा नहीं लगता। खास करके जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग गंदे तरीके से वीडियो को अपने वायरल करा रहे हैं, और सभी जानते हैं, मैं तो उस चीज़ को बोलना भी नहीं चाहती भाई। आप सक्सेस हो तो अपनी मेहनत से हो, ना कि ये ऊट पटांग तरीके से। ऐसी वीडियो तो कोई भी डाल देगा और उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, वो तरीका सही नहीं है। मुझे भी कमेंट आते हैं कि मैम आप ऐसी वीडियो बनाया करो, वैसी वीडियो बनाया करो, तो इस टाइप के जो कमेंट आते हैं ना, मुझे वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसको डिलीट मार देती हूँ। और बाकी रहा निगेटिव कमेंट का, तो जब हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो
नेगेटिव कमेंट तो आएंगे, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं कुछ लोग बुरा, दोनों का अलग अलग है, लेकिन वही है जो गंदे तरीके से वीडियो बनाते हैं वो मुझे बहुत बेकार लगा है यूट्यूब पे। उसको कुछ इसमें कुछ चेंज आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में हम जैसे यूट्यूबर हैं, आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं, वो कहीं खो जाते हैं, जो कि एकदम से सीधाई से अपना अच्छे से चैनल के थ्रू अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, इन लोग के चक्कर में वो रह जाते हैं। तो ये मेरा सबसे गंदा अनुभव रहा है यूट्यूब पे, और बाकी सब कुछ अच्छा है। और रही रेखा मैम की बात, तो रेखा मैम का जो चैनल है गुरगुती मस्ती एंड ब्लॉग, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो गाती है ना इतना सुरीला होता है। फर्स्ट टाइम मैंने जब उनका गाना सुना था तो मैं एकदम से सुन के रह गई थी। मैंने उनका गाना 3 बार सुना था, मुझे इतना अच्छा लगा था उनका। मुझे गाना अच्छे से आता नहीं, लेकिन गाने का सुनने का मुझे बहुत शौक है। अकेले मैं गा लेती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुना तो हर कोई लेता है, लेकिन रेखा मैम बहुत अच्छा गाती है। तो थैंक यू सो मच, आप ये मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू आपने लिया है उसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ मेरा जो मैंने जो बातें मैंने जो टिप्स आप लोगों से शेयर की हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। तो दोस्तों, करिश्मा जी की ये जर्नी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपका भी चैनल मोनेटाइज हुआ है और आप भी चाहते हो कि आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना, तो हमें मेल कीजिए rek.sarode89@gmail.com पे। और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।